नमस्कार। आज की क्लास में मैं आप लोगों को क्लास 10th का थेल्स प्रमेय से संबंधित सवाल बताने जा रहा हूँ, एनसीईआरटी मैथ बुक 6.2 से। इसके पहले मैं भी थेल्स प्रमेय से संबंधित सवाल को मैं वीडियो अपलोड किया हूँ एस पांडे यूट्यूब चैनल में। तो आप सभी स्टूडेंट आए क्लास में, जुड़े हैं, दोस्तों के बीच शेयर करें क्लास को। स्टूडेंट जो नए स्टूडेंट हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ जो दोस्त है उन दोस्त को भी इस चैनल के बारे में बताएं। देखिए, सबसे पहले थेल्स प्रमेय में, थेल्स प्रमेय में क्या है, जैसे यदि कोई त्रिभुज है ना, देखिएगा, जैसे कोई त्रिभुज है, ध्यान दीजिएगा, एक त्रिभुज ले लिए ए बी सी है, मान लीजिए कि एक त्रिभुज है, ठीक। अब देखिए, यदि किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं को किन्हीं दो भुजाओं को मान लीजिए एक भुजा ये और एक भुजा यू, दो भुजाओं को मिलाने वाली रेखा, दो भुजाओं को मिलाने वाली रेखा मान लीजिए ये डी और ई है, दो भुजाओं को मिलाने वाली रेखा उस त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर होती है, उस त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर होती है, तो वह जो बिंदु होता है उस भुजाओं को समान अनुपात में बांटते हैं। इसका मतलब ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी, अर्थात थेल्स प्रमेय जो है हम यह बतलाता है, थेल्स थ्योरम, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को मिलाने वाली, दो भुजाओं को मिलाने वाली रेखा उस त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर समांतर होती है, तो वह बिंदु जहां पर दोनों भुजा मिलती है वह बिंदु उस भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। इसका मतलब यदि यदि डीई समांतर बीसी, डीई समांतर बीसी होगा, याद रखिएगा, डीई समांतर बीसी होगा, तब थेल्स प्रमेय प्रमेय से AD बटे DB बराबर AE बटे EC होगा। जैसे मान लीजिए कि एक सवाल हम अपने मन से ले लेते हैं, मान लीजिए कि एक त्रिभुज है, थोड़ी देर के लिए एक सवाल हम अपने मन से ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, उसके बाद फिर एक्सरसाइज कर चलेंगे। ये मान लीजिए कि ए बी और सी है, ठीक ना, अब ये डी और ई है, ठीक। अब यहां डी ई पैरेलल, यानी डी ई समांतर बी सी है, डी समांतर क्या, बी सी है, ठीक। यदि इसका मान एक्स, इसका मान टू, इसका मान थ्री और इसका मान फोर, तो एक्स का मान निकालने के लिए कह देगा, ऑब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। तो देखिए कैसे निकलेगा बाबू, तो चूंकि चूंकि इस तरह से लिख रहा है, चूंकि डीई समांतर बीसी, तो डीई समांतर क्या बीसी है इस त्रिभुज में, चूंकि डी समांतर क्या बीसी, जब ये समांतर नहीं होगा तब थेल्स प्रमेय लागू नहीं होगा, समझे कि नहीं। जब ये चूंकि प्रश्न में कह रहा है समांतर है, तो इसलिए याद रखिएगा थेल्स प्रमेय से, किसे, थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, यानी AD बटे DB बराबर AE बटे EC होगा, AE बटे EC होगा, ठीक ना। अब देखो बाबू, AD का मान कितना है x, बटे DB का मान कितना है 2, बराबर AE का मान कितना है 3, EC का मान कितना है 4। तो अब देखो बाबू, ये कोना कोनी गुना होगा, 4 गुना x 4x, 3 गुना 2, 3 दूनी 6, तो हमको x का मान निकालना है, तो इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 6, ये 4 भाग लग जाएगा, यानी 6 बटे 4, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यानी x बराबर 3 बटे 2 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। तो आप लोग बताएं, समझ में आ रही है सबको, सभी स्टूडेंट बताएं। अब देखिएगा, देखिए क्वेश्चन कह रहा है, मान लीजिए कि 6.2 एक्सरसाइज लिख चुके हैं, एक नंबर का क्वेश्चन, देखिए कह रहा है क्या, मैं सभी क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, आप लोग बनाएंगे इसे। यहां पे ये समांतर है, ठीक, ये डी है और ये ई है, ठीक, और ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये सी है, ठीक। इसका मान 1.5 सेंटीमीटर है,
इसका मान 1 सेंटीमीटर है, इसका मान 3 सेंटीमीटर है, तो कह रहा है कि ईसी का मान निकालें। यहाँ DE समांतर यानी ये DE जो है BC के समांतर है। तो अब देखिएगा थेल्स प्रमेय से, ध्यान दीजिएगा थेल्स प्रमेय से, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, थेल्स प्रमेय से किसे बाबू, चूंकि ये समांतर है यानी DE और समांतर क्या है BC है बाबू, DE समांतर BC, तो थेल्स प्रमेय से हम क्या जानते हैं AD बटे DB बराबर AE बटे EC, तो ए थेल्स प्रमेय से AD बटे DB बराबर AE बटे EC बराबर AE बटे EC होगा। अब देखिए EC का मान नहीं निकला हुआ है, EC का मान निकालना है, देखो AD का मान कितना है 1.5 सेंटीमीटर, फिर DB का मान कितना है 3 सेंटीमीटर, ठीक इक्वल टू क्या है 1 AE, AE का वैल्यू कितना है 1 सेंटीमीटर, फिर देखो EC है, EC हो गया। अब देखो ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, 1.5 दूनी 3 यानी 1.5 दूनी 3 1/2 हो गया, 1/2 बराबर 1 सेंटीमीटर बटे EC। अब देखो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हुआ, EC गुना 1 क्या हो गया EC, और 2 गुना 1 यानी 2 सेंटीमीटर, अर्थात ये EC का जो मान हो गया 2 सेंटीमीटर हो गया। तो बताओ स्टूडेंट समझ में आई, क्लास को शेयर करें सभी दोस्तों के बीच, VVI क्वेश्चन बताऊंगा आप लोगों को, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग से पूछ रहे हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बनाएं, आप लोगों से पूछ रहा हूं और आप लोग इसका आंसर कमेंट में जल्द से जल्द लिखेंगे। चलिए इसका 2 नंबर आप लोगों से पूछ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा यहां पे 2 नंबर 6.2 का 2 नंबर आप लोग बताएंगे मुझे आंसर। देखिएगा A B C है और ये D और ये E है, ठीक ना। अब देखिएगा इसका वैल्यू है 7.2 सेंटीमीटर DB का, ठीक। अब देखिए इसका वैल्यू है 1.8 सेंटीमीटर, ठीक, और इसका वैल्यू है 5.4 सेंटीमीटर, ठीक। तो कह रहा है क्या AD का 2 नंबर AD बराबर वाट, AD बराबर वाट, वही सवाल है, यानी DE समांतर BC है। चलो बताएं इस AD का वैल्यू क्या होगा, बताएं बताए सभी स्टूडेंट, जवाब दिया आप लोगों ने, यानी क्या होगा बाबू थेल्स प्रमेय से, चूंकि ये लिखना है, चूंकि प्रश्न से परीक्षा में कैसे बनाना है बाबू, देखो चूंकि प्रश्न से DE समांतर BC, इसलिए थेल्स प्रमेय से परीक्षा में इस तरह से बनाना है, थेल्स प्रमेय से क्या होगा, थेल्स प्रमेय से AD बटे DB बराबर AE बटे EC होगा। अब देखो बाबू AD का मान कितना है, AD का मान कुछ नहीं है तो AD ही रखेंगे, DB का मान कितना है 7.2 तो 7.2 रख देंगे, बराबर AE का मान क्या है 1.8 सेंटीमीटर, फिर देखो इसका वैल्यू EC का वैल्यू कितना है, EC है 5.4 सेंटीमीटर। अब देखो ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, देखो पॉइंट ऑफ पॉइंट कट गया, तो ये 18/54 हो गया, तो 18 3 54, तो यहाँ पे क्या हो गया AD बटे 7.2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/3। तो अब देखो बाबू ये 3 गुना AD तो 3 AD हो गया कि नहीं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन को रखो 3 गुना AD 3 AD हो गया, बराबर 7.2 गुना 1 तो 7.2 सेंटीमीटर, तो इसलिए AD बराबर 7.2/3 तो 24 3 72 2.4, तो AD बराबर क्या हो गया 2.4 सेंटीमीटर। तो चलिए स्टूडेंट बहुत अच्छा जवाब आप लोगों ने दिया है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिएगा, चलिए देखिएगा, चलिए सभी स्टूडेंट देखो बाबू 2 नंबर का क्वेश्चन, 2 नंबर में आपको जांच कर, 2 में 3 क्वेश्चन है, 1 मैं बताऊंगा, 2 आप लोगों को बनाना पड़ेगा। देखो बाबू 2 का 1 नंबर कहता है कि त्रिभुज PQR है, त्रिभुज PQR है, भुजा PQ और PR पर क्रमशः, यानी भुजा PQ और PR हम बना लेते हैं त्रिभुज, ठीक ना। देखो बाबू चलिए आप लोगों के पास किताब होगी तो उसमें सवाल तो है ही है। अब देखो PQR त्रिभुज हो गया, अब कहता है क्या जिसमें भुजा PQ पर E बिंदु है, इस पर E बिंदु है ठीक, और PR पर F बिंदु है ठीक, अब दोनों को मिलाने के लिए कहता है, ठीक मिला दिए। तो नंबर एक नंबर में जो सवाल है देखिए PE बराबर 3.9 सेंटीमीटर, EQ बराबर 3 सेंटीमीटर,
पी एफ बराबर 3.6 सेंटीमीटर और पी आर बराबर 2.4 सेंटीमीटर। यानी ये पहला नंबर का सवाल है, 2.4 सेंटीमीटर। तो बताइए कि क्या ये ई एफ समांतर क्यों, ई एफ समांतर क्या, देखिए क्या ई एफ समांतर क्यू आर है। तो आप लोग को मैं बताऊंगा भी, ध्यान दीजिएगा, जांच करने के लिए कहता है कि क्या ये ई एफ क्यू आर के समांतर है कि नहीं है, ये जांच करने के लिए कहता है। अब सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन का क्या, एक त्रिभुज पी क्यू आर है, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिखाऊं, एक त्रिभुज क्या है पी क्यू आर, यानी पी क्यू आर एक त्रिभुज हो गया, ठीक। अब पी क्यू पर एक बिंदु ई है और पी आर पर एक बिंदु एफ है, E और F को मिला दिया। अब इसमें PE का जो मान है, PE का मान देखो 3.9, इसका मान कितना है 3.9 सेंटीमीटर, ठीक। और EQ का मान है 3 सेंटीमीटर, इसका मान है 3 सेंटीमीटर, ठीक ठीक है। अब देखो PF का मान 3.6, यानी इसका मान 3.6 सेंटीमीटर है, ठीक ना। अब PR का मान 2.4, यानी PR है कि FR है, देख लेते एक बार, FR का मान है एफ आर का मान 2.4, इसका मान 2.4 सेंटीमीटर, एफ आर का मान 2.4 सेंटीमीटर। तो कहता कि क्या ई एफ और क्यू आर समांतर है कि नहीं। तो याद रखिएगा, यदि ई एफ समांतर, यदि ई एफ समांतर क्यू आर होगा तो हम जानते हैं, यदि ई एफ समांतर क्यू आर होगा तो निश्चित है कि हम जानते हैं थेल्स प्रमेय से पीई बटे ई क्यू बराबर पी एफ बटे एफ आर होगा। इसलिए क्या होगा, पीई यानी पीई बटे क्या होगा ई क्यू बराबर पी एफ बटे एफ आर होगा। याद रखिएगा, यदि यह समांतर होगा तो यह बराबर होगा, और यदि यह बराबर नहीं होगा तो यह समांतर नहीं होगा। तो चूंकि देखो इसको जांच करना है, तो इस सब का मान मेरे पास है, देखते हैं कि यह बराबर होता है कि नहीं। तो देखो बाबू, सबसे पहले इसमें पी यह बराबर होना चाहिए, यानी पीई बटे ई क्यू बराबर पी एफ बटे एफ आर। तो सबसे पहले एल एच एस ले लो, एल एच एस, तो एल एच एस बराबर क्या है पीई बटे ई क्यू, पीई बटे ई क्यू, ठीक ना। अब देखो पीई का मान कितना है, देखो पीई का मान 3.9, तो 3.9 ले लिए सेंटीमीटर। अब देखो ई क्यू का मान कितना है, 3 सेंटीमीटर, ठीक। अब देखो 33 39, यानी 1.3 होगा कि नहीं, क्योंकि 3.9 है। तो एल एच एस का मान कितना हो गया, एल एच एस का मान कितना हो गया 1.3 सेंटीमीटर। अब आर एच एस लो, देखो आर एच एस, तो आर एच एस बराबर क्या है पी एफ बटे एफ आर, पी एफ बटे क्या है एफ आर। तो अब देखो बाबू पी एफ का मान कितना है 3.6 कर दिए, बटे एफ आर का मान कितना है 2.4 कर दिए। अब देखो बाबू ये पॉइंट और ये पॉइंट को हटा दो, अब देखो 12 36 और 12 2 24, 12 36 और 12 2 24, तो यहाँ पे जो हो रहा है ध्यान दो, ये 3/2 हो गया, यानी 3/2। अब 3/2 हो गया, अब इसको कटाओ, 1.5 2 3, यानी 1.5 1.5। आर एच एस का मान कितना हो गया, आर एच एस बराबर 1.5। अब देखो ध्यान देना, एल एच एस का पीई बटे ई क्यू था, तो पीई बटे ई क्यू का मान देखो, पीई बटे ई क्यू का मान 1.3, और आर एच एस क्या है पी एफ बटे एफ आर, पी एफ बटे उसका मान कितना है 1.5 है। तो इसका मतलब यहां पीई बटे ई क्यू इज नॉट इक्वल टू पी एफ बटे एफ आर बटे एफ आर, इसका मतलब यह बराबर नहीं हो रहा है, इसका मतलब यह बराबर नहीं हो रहा। जब यह बराबर नहीं होगा तो इसलिए समांतर नहीं होगा। तो लिख देंगे, क्या लिख देंगे, अतः चूंकि ये पीई बटे ई क्यू इज नॉट इक्वल टू पी एफ बटे एफ आर, यानी बराबर नहीं हुआ, अतः यानी ई एफ समांतर क्यू आर नहीं होगा
याद रखिएगा, यानी P बटे EQ बराबर P F बटे FR हो जाता तब ये समांतर हो जाता, लेकिन यहाँ पर एक P बटे EQ का मान 1.3 आया है और P F बटे FR का मान 1.5 आया है, तो दोनों बराबर नहीं है इसलिए समांतर नहीं है। तो बताएं आप लोग समझ में आई, चलिए सभी स्टूडेंट बताए समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का दो नंबर आप लोगों को बनाना है, हम नहीं बनाएंगे, इसी का यानी दो का दो नंबर का क्वेश्चन है, सेम यही चीज है। चलिए P बराबर 4 सेंटीमीटर, Q बराबर 4.5 सेंटीमीटर, PF बराबर 8 सेंटीमीटर और RF यानी FR बराबर वही हुआ, PF बराबर 8 सेंटीमीटर और RF बराबर 9 सेंटीमीटर है, तो क्या EF समांतर QR है? बताएं, जांच करें। चलिए बताएं समांतर है कि नहीं है, आप लिखे यदि समांतर है तो लिखिए कमेंट में समांतर है, यदि समांतर नहीं है तो लिखिए समांतर नहीं है। चलिए आप लोग बताएं, चलिए बनाए अभी जस्ट बनाए आप लोग, नीलू निगम लेट करते हैं आप लोग, आए सभी समय पर आ जाए सभी कोई, चलिए बनाएं। देखिए पी बराबर क्या है, हम बनाएंगे नहीं, 4 सेंटीमीटर, क्यू बराबर क्या है 4.5 सेंटीमीटर और देखिए पी एफ बराबर क्या है 8 सेंटीमीटर और उसके बाद पी एफ आर बराबर 9 सेंटीमीटर है। चलिए बताएं आप लोग सब, चलिए देख बाबू समांतर है, सबसे पहले क्या करेंगे पी यदि ई एफ समांतर क्यू आर होगा ध्यान दीजिएगा, तो डिफिनिट है कि पी ई यानी पी ई बटे क्या होगा ई क्यू बराबर क्या होगा PF बटे FR। अब देखो PE LHS ले लेते हैं, LHS तो LHS बराबर क्या है PE बटे EQ है बाबू। अब देखो PE का मान कितना है 4 सेंटीमीटर, इसका मान कितना है EQ का मान कितना है, देखो EQ का मान है 4.5 सेंटीमीटर, तो देखो बाबू सेंटीमीटर कट गया, ये पॉइंट उड़ेगा तो ऊपर में कितना चल जाएगा 10। अब देखो 5 × 2 = 10, 5 × 9 = 45, तो इसका मान 4/9, LHS का मान कितना हो गया 4/9। अब चलो RHS लो, RHS तो RHS बराबर क्या है PF बटे FR, तो देखो PF का मान कितना है 8 सेंटीमीटर और FR का मान कितना है 9 सेंटीमीटर, तो अब देखो सेंटीमीटर कट गया तो 8/9, इसका मतलब LHS भी 4/9 और RHS भी कितना हो गया 8/9, तो यहां PE बटे EQ इज इक्वल टू PF बटे FR हो रहा है, तो इसलिए यह EF समांतर है QR के। बताएं समझ में आ रही है सबों को, चलिए वेरी गुड, सबों को समझ में आ रही है क्या 4/9, हाँ 4 × 8 8/9 होगा, 4 × 8 देखो 4 × 2 करेंगे 8/9 हो गया, ठीक ना, ये भी देखो 8/9 ठीक ना 8/9, चलिए 8/9 दोनों तरफ बराबर हो गया। चलिए अब आप लोगों को थोड़ा, अब 3 नंबर का आप अपने से घर में बनाएंगे। अब देखिए अगला टाइप का जो है वो क्वेश्चन चल रहे हैं, चलिए ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 3 नंबर का, 3 नंबर में फिगर बना हुआ है, देखो आकृति 6.1, देखो आकृति पहले बना लेते हैं, ध्यान देना ठीक, ठीक ये A है, ये M है, ये B है,
ये सी है, ये डी है, ये एन है, ये एल है, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न कर रहा है क्या, प्रश्न में सी यानी दे रहा है यहाँ पे, देखिए क्या कर रहा है, तीन नंबर एक्सरसाइज एनसीईआरटी बुक 6.2 क्लास 10th का, यहाँ पे दे रहा है कि एल एम समांतर सी बी, यानी ये एल एम समांतर है सी बी, ठीक, तथा तथा एल एन समांतर है, एल एन समांतर है सी डी, सी डी के, सी डी के, तो साबित करें, तो साबित करें, साबित करें कि ए एम बटे ए बी बराबर ए एन बटे ए डी, ए एन बटे ए डी, यानी ए एम बटे ए बी बराबर ए एन बटे ए डी साबित करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छात्र इग्नोर नहीं करेंगे। देखो बाबू सबसे पहले एक चीज और बता देते हैं, तुम लोग को नहीं बताएं, ध्यान देना, यदि मान लो कि ये त्रिभुज है, ठीक ना, एक जरा सा ध्यान देना इस पर, ये ए बी और ये सी है, मान लो कि ये डी और ई है, और डी ई समांतर, डी ई समांतर यदि बी सी रहे, बी सी रहे, डी सी डी समांतर बी सी रहे, तो ए डी बटे, याद रखना, ए डी बटे ए बी बराबर, यदि ये समांतर रहा तब, यानी डी समांतर बी सी रहा, तो ए डी बटे ए बी बराबर ए ई, ए ई बटे ए सी लिख सकते हैं, ए ई बटे, यानी देखो यदि डी ई समांतर बी सी रहा तो ए डी बटे ए बी बराबर ए ई बटे ई सी हम लिख सकते हैं। तो अब देखो बाबू यहां पर सिद्ध करना है, प्रश्न में कह रहा है कि ए बी सी डी इस तरह से आकृति बना है, तो साबित करना है हमको ए एम, तो और उसमें एल एम और बी सी ये समांतर है, एल एन और ये सी डी समांतर है, ठीक ना, तो हमको साबित करना है क्या, ए एम बटे ए बी बराबर ए एन बटे एन ई। तो सबसे पहले चलो त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में चलेंगे, त्रिभुज ए बी सी में, तो अभी देखो बाबू त्रिभुज ए बी सी में चले हैं, चूंकि चूंकि ये देखो एल एम प्रश्न में, चूंकि प्रश्न से, याद रखना, चूंकि प्रश्न से क्या बाबू, देखो प्रश्न से एल एम समांतर सी बी, यानी एल एन समांतर क्या है सी बी, एल एम समांतर जो है सी बी, तो अब देखो एक चीज, यदि ये समांतर है इसके, तो हम लिख सकते हैं ए एम बटे ए बी बराबर ए एल बटे ए सी लिख सकते हैं, तो इसलिए यानी ये जो बता है, इसलिए ए एल, ए एल बटे ए सी, ए एल बटे ए सी बराबर ए एम बटे ए बी लिख सकते हैं, ए एम बटे ए बी, ध्यान दीजिएगा ये, चूंकि ये और ये समांतर है, तो क्या लिख सकते हैं, ए एल बटे ए सी बराबर ए एम बटे ए बी, क्योंकि त्रिभुज ए बी सी में चल रहे हैं, यानी ए बी सी में चल रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा ये समीकरण नंबर एक। अब चलेंगे त्रिभुज ए डी सी में, त्रिभुज ए डी सी में, ध्यान दीजिएगा किसमें, त्रिभुज ए डी सी में, त्रिभुज ए डी सी में, अब देखिए एल एन समांतर सी डी है प्रश्न में, देखिए एल एन समांतर सी डी प्रश्न से, प्रश्न से क्या है बाबू, एल एन समांतर सी डी, एल एन समांतर क्या है, पैरेलल सी डी है, इस सी डी है, तो इसलिए अब देखिएगा हम लिख सकते हैं ए एल बटे ए सी, ए एल बटे ए सी बराबर, यानी ए एल अब इस त्रिभुज में चल रहा है, ठीक ना, ए एल बटे ए सी बराबर ए एन, यानी ए एन बटे ए डी लिख सकते हैं, ए एन बटे ए डी, समीकरण नंबर दो। अब देखो समीकरण एक, समीकरण एक तथा, समीकरण एक तथा दो से तुलना करने पर, समीकरण एक तथा दो से तुलना करने पर, ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट, दोनों से तुलना करेंगे, देखो बाबू ए एल बटे ए सी का मान ए एम बटे ए बी भी है, और ए एल बटे ए सी का मान ए एन बटे ए डी भी है, इसका मतलब यहां पे देखिए ये भी तो ए एल बटे ए सी है, ये भी तो ए एल बटे ए सी है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं ए एल बटे एल, ए एल बटे ए सी बराबर ए एल बटे ए सी, क्योंकि दोनों का मान एक ही चीज ना है, तो अब देखो ए एल का मान ए एल बटे ए सी, फिर ए एल बटे ए सी कर दिए। अब देखो समीकरण एक में ए एल बटे ए सी का मान कितना है, ए एम बटे ए बी, ए एम बटे ए बी है, अब देखो
पर समीकरण दो में एल बटे ए सी का मान कितना है, एन बटे एडी, एन बटे एडी है कि नहीं। देखो समीकरण दो में एन बटे एडी सिद्ध क्या करना था, एम बटे ए बी, देखो एम बटे ए बी बराबर एन बटे एडी बराबर एन, हुआ प्रूफ। बताओ स्टूडेंट समझ में आई, चलिए सबों को समझ में आई, कोई दिक्कत तो नहीं है। चार नंबर का क्वेश्चन देखो बाबू, देखिएगा आकृति दिया गया है, चलिए कमेंट करेंगे राजू, और जो भी नए स्टूडेंट हैं जो वीडियो देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि नहीं किए हैं, ताकि आप लोगों को काफी लाभ मिलेगी इस चैनल के माध्यम से बोर्ड एग्जाम में, साथ ही साथ आगे 11 12th में भी 10th के जो स्टूडेंट हैं। चलिए ये आकृति दे दी गई है, चलिए ए ये डी है, यहां पे ये एफ है, ये ई है, ठीक। अब देखिए कह रहा है क्या, इसमें डी ई समांतर, डी ई समांतर जो है डी ई समांतर ए सी, यानी डी ई समांतर ए सी है, ठीक। तथा तथा डी ई समांतर, उसके बाद क्या है, डी ई समांतर ए सी, डी एफ समांतर, डी एफ समांतर, डी एफ समांतर क्या है भाई, डी एफ समांतर ए ई है, ए ई, डी एफ समांतर है आपका ए ई, ठीक। तो साबित करना है क्या, बी एफ साबित करना है, बी एफ बटे एफ ई बराबर बी ई बटे ई सी, बी ई बटे ई सी। अब देखो बाबू सबसे पहले क्वेश्चन को समझो, देखो क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी एनसीईआरटी क्लास 10 6.2 एक्सरसाइज का चार नंबर का क्वेश्चन, और ये फिगर दिया है, ठीक ना, ये फिगर दिया है, आप लोग देखिए कह रहा है क्या, ए बी सी एक त्रिभुज है और यहां पे ऐसी ऐसी रचना वो फिगर में दिया गया, ठीक ना, और यहां पे कंडीशन दिया है डी ई पैरेलल ए सी, यानी ये डी ई जो समांतर है वो ए सी के, किसके है, एसी के, और डी एफ समांतर है एई का, यानी ये डी एफ समांतर है किसका, डी एफ समांतर है एई का। तो हमें साबित करना है, तो हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, ये समझे कि प्रूव करना है, सिद्ध करना है, ठीक। बी एफ बटे एफ ई, यानी बी एफ बटे एफ ई बराबर बराबर बी ई बटे ई सी, यानी बी ई बटे ई सी सिद्ध करना है। तो आप लोग ध्यान दो बाबू, सबसे पहले त्रिभुज ए बी ई में, चलो त्रिभुज ए बी ई में, किसमें बाबू, त्रिभुज ए बी ई में, ध्यान दीजिएगा, चूंकि प्रश्न से, चूंकि प्रश्न से ध्यान दीजिएगा, चूंकि प्रश्न से क्या है भाई, यानी चूंकि प्रश्न से ये डी एफ समांतर ए ई है, डी एफ समांतर ए ई प्रश्न में, यानी डी एफ समांतर, डी एफ समांतर ए ही। अब देखो बाबू ध्यान देना, डी एफ समांतर ए ही है। अब हम जानते हैं कि यदि यदि कोई त्रिभुज में, यदि कोई त्रिभुज में ध्यान देना ए बी सी, अब यहां मान लो डी और यहां मान लो ई, यदि डी समांतर बी सी होता है तो ये तो जानते हैं थेल्स प्रमेय से ए डी बटे बी, ए डी बटे डी बी बराबर क्या होता है, ए ई बटे ए बटे ई सी। तो यहां पर देखो यानी डी एफ समांतर है ए का, तो इसलिए हम लिख सकते हैं बी डी बटे डी ए, इसलिए थेल्स परमय से, इसलिए थेल्स परमय से, किससे बाबू, थेल्स परमय से क्या बाबू, हम लिख सकते हैं बी डी बटे डी ए, बी डी बटे डी ए बराबर, अब चूंकि ये समांतर है इसके तो बी डी बटे डी ए बराबर बी एफ बटे एफ ई लिख सकते हैं, क्योंकि त्रिभुज ए बी ई में ही चल रहे हैं, यानी बी डी बटे डी ए बराबर बी एफ बटे एफ ई, बी एफ बटे क्या होगा एफ ई, बी एफ बटे एफ ई, समीकरण नंबर एक मान लो इसको। पुनः पुनः देखो अब चलेंगे त्रिभुज ए बी सी में, पुनः त्रिभुज ए बी सी में ध्यान दीजिएगा, ए बी सी में, अब चूंकि प्रश्न से यहां डी ई समांतर ए सी है, देखो डी ई समांतर क्या है सी, प्रश्न से, प्रश्न से क्या दिया बाबू, डी ई समांतर ए सी, यानी ये डी ई समांतर क्या है ए सी, तो डी ई समांतर
एसी। तो अब हम जानते हैं कि एबीसी में यदि डीई समांतर बीसी रहता है तो एडी बटे डीबी बराबर एई बटे एसी होगा। अबरी क्या है, देखो डीई समांतर एसी है तो इसलिए थेल्स प्रमेय से, इसलिए थेल्स प्रमेय से किससे बाबू, थेल्स प्रमेय से क्या होगा, बी डी बटे डी ए बराबर। अब देखो बाबू अभी क्या है, डी ई समांतर ए सी तो बी डी बटे डी ए बराबर लिख सकते हैं बी ई बटे ई सी, क्योंकि ये समांतर है इसके, जैसे ये समांतर रहता है इसके तो ए डी बटे डी बी बराबर ए बटे ई सी, तो ये समांतर इसको थोड़ा देर के लिए मिटा दे, ठीक ना, थोड़ा देर के लिए देखो लग रहा है ना ये समांतर है इसके से, तो बी डी बटे डी बराबर होगा ना बी ई बटे ई सी, तो बराबर क्या होगा बी ई बटे क्या हो जाएगा ई सी, समझ में आ रहा होगा। अब देखो ये जो है वो लिख दिए, ठीक ना, कर दिए इसको। अब देखो इसको समीकरण नंबर दो कर दिए, अब देखो बी डी बटे डी है इसका मान है, अब बी डी बटे डी है इसका भी मान है, तो समीकरण एक और दूसरे तुलना करेंगे, समीकरण एक और दूसरे तुलना करने पर यानी समीकरण एक तथा दो से तुलना करने पर क्या करेंगे बाबू, तुलना करने पर देख नुनू कोई दिक्कत होगा तो बोलना, इसका भी मान बी डी बटे डी ए, इसका भी मान बी डी बटे डी ए, तो इसलिए बी डी बटे डी ए बराबर बी डी बटे डी ए। तो अब देखो बाबू ध्यान देना, बी डी बटे डी ए, बी डी बटे डी ए का मान कितना है बी एफ, देखो इसमें बी एफ बटे एफ ही है इक्वल टू बी डी बटे डी ए, बी डी बटे क्या है बी ई बटे ई सी, बी ई बटे EC। देखो क्या सिद्ध करना था, BF बटे FE, BF बटे FE बराबर BE बटे EC, तो प्रूफ तो हो गया ना। बोलो स्टूडेंट कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को, चलिए सभी स्टूडेंट समझ में आ गई, चलिए ऋषु, चलिए सबों को समझ में आ गई है।